हॉलीडे पे भी वीडियो देखने आ गए, यानी कि दोस्तों अगले हफ्ते के लिए एक्साइटमेंट लेवल पीक पे है, रेडी है दोस्तों सब लोग। और जो लोग भी मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े थे उनको पता चल गया होगा, ये पिछला हफ्ता जो गया मेरे भाई, इंतजार नहीं हो रहा है कब मंडे आएगा और अगेन हम रॉक करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि क्लियर कट दोस्तों लगातार 3 एक्सपायरी ब्लास्ट हुआ लेवल, इवन ये निफ्टी का एक्सपायरी डे था और निफ्टी के एक्सपायरी डे में मैंने क्लियरली बोल दिया था 19,573 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो हमें कॉल खरीद के रखना है। देखिए मैं बार बार क्यों कहता हूं दोस्तों, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको रीजन पता चलेगा, अभी रीजन पता चलेगा जो लोग न्यू वीडियो को देख रहे हैं। जैसे ही दोस्तों निफ्टी ने मेरे लेवल को ब्रेकआउट दिया ना, बूम, सिंगल कैंडल दोस्तों इनफ है पूरे दिन के लिए, 100 पॉइंट का मूव दिया था उस दिन मेरे लेवल के ऊपर। जो जो प्रेडिक्ट किया था होने से पहले दोस्तों मैंने बता दिया था, इवन ड्रॉ करके बता दिया यार, इससे ज्यादा और क्या करूं मैं। और उसके बाद दोस्तों उस दिन हमारा पैसा 3 गुना हुआ था, 19,600 का मैंने कॉल दिया था जो कि 30 रुपए से 89 रुपए चला गया था, धमाका मैं कहना चाहूंगा, लोगों ने छाप के रखे। लेकिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी इस हफ्ते का मैं भूल नहीं सकता कभी, क्योंकि जो मतलब अलग ही लेवल का क्रेज था। 9:19 पे बोल दिया था 44,331 के नीचे सेल करना है बोल के, और उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, जैसे ही लेवल ब्रेकडाउन किया 400 पॉइंट का फॉल दिया है, पैसा 12 गुना उस दिन हुआ था। 44,001 का पुट को हमने 25 रुपए पे खरीदा और 298 चला गया दोस्तों, 298 वो चला गया, पूरे बॉटम से पकड़े थे और लोग ने छाप के रखे हैं। इवन आज के दिन भी स्पेशल में मेंशन किया हूं, 1,40,000 कमा के रखे हैं 19,600 के कॉल में। तो इसीलिए कहता हूं जाके फ्री वाले ग्रुप जुड़ जाइए। अब दोस्तों अगले हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब कुछ हम एनालिसिस करने वाले हैं और ये प्रॉपर एक वीकली एनालिसिस रहेगा। होल वीक क्या हो सकता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वही हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इतना सुनने के बाद तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, आपका सपोर्ट की बहुत नीड है, मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं पता है, आप बोलोगे अरे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, मंडे के दिन वीडियो नहीं बनाया, ऑलरेडी बना दिया कल के दिन, जो कि आपने नहीं देखा क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नहीं दबाए। मिड कैप का एक्सपायरी है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, पूरा एक्सपायरी स्पेशल में वीडियो डालता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों सीधे हम चालू करते हैं, एनर्जी है फुल, सीधे हम चालू करते हैं बैंक निफ्टी से दोस्तों। होप आप लोग होलीडे को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का हम सिंपल रखते हैं अगले हफ्ते के लिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तोड़ दिया बैंक निफ्टी, ऑलरेडी तोड़ दिया अपना सपोर्ट, मैं इसको नहीं चाहता था तोड़े बोल के, लेकिन फाइनली तोड़ दिया, अब डेंजर में है। दिखाता हूं मैं आपको, वन डे टाइम फ्रेम लगा के रखा हूं बैंक निफ्टी में। आप देखिए ग्रीन कलर का जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं ना, एक बार बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन को टच किया था पिछले हफ्ते, जो भी लोग वीडियो देखे हैं आपको पता होगा अच्छे से, ये ट्रेंड लाइन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए तो सारा वीडियो अपडेट मिलेगा। तो ये ट्रेंड लाइन को टच करके बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा आप मूव दिया था। अब देखिए एक बार ये ट्रेंड लाइन को टच किया कि नहीं, कितना बड़ा अप मूव, और ये कोई एक दो दिन के लिए अप मूव नहीं, पूरे 3-4 महीने के लिए अप मूव है। फिर देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने फिर टच किया, ओके, और फिर टच करके अगर आप देखेंगे कितना बड़ा आप मूव देखिए, मतलब जब जब ट्रेंड लाइन को टच किया है ना, 3-3, 4-4 महीना मार्केट ट्रेंडिंग रहा है अपसाइड। तो आप खुद देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन को यहां पे एक बार टच किया, सपोर्ट लिया, यहां पे अगर आप देखेंगे 2 बार टच किया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और पिछला हफ्ता मैंने आपको बताया था, जो लोग भी मैं मतलब झूठ मूठ का दोस्तों मैं बोल नहीं सकता, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, जाके देखिए पिछला हफ्ता का वीडियो, आपको याद होगा मैं ये सेंटेंस बोला था दोस्तों, यही ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी यहां पे टच तो किया है, एक तो यहां से ये ऊपर की सफर चालू करेगा अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और बहुत कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा डाउन साइड भी मोमेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड लाइन टूटना और वो हो गया, जो खतरा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो हो गया। इतना बड़ा ट्रेंड लाइन देखिए, जो ट्रेंड लाइन को टच करके कितना बड़ा बड़ा मोमेंट दिया है, वो ट्रेंड लाइन दोस्तों फाइनली अगर आप देखेंगे ये हफ्ते 18 तारीख के दिन तोड़ दिया, और फुल वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ तोड़ा है,
तो दोस्तों ट्रेंड कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट हो चुका है, थोड़ा वो कहते ना कि क्रैक हो चुका है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी। फाइनल कंफर्मेशन कब मिलेगा मैं बोल देता हूं, देखिए ट्रेंड टूट चुका है तो स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड है, ठीक है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे अगले हफ्ते, लाइक इंट्रा डे पे भी और कहीं ना कहीं वन आवर टाइम फ्रेम भी, मतलब डाउन साइड ही ट्रेड है, तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड हमारा रहेगा दोस्तों, हमारा जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी रहेगा वो डाउन साइड रहेगा। तो अगले हफ्ते यहां पे तो ट्रेंड क्रेक हो चुका है दोस्तों, ये पहला निशानी मिल गया कि डाउन ट्रेंड है। दूसरी बात, कंफर्मेशन कब मिलेगा, 43,331 के नीचे अगर एक बड़ा सा, ठीक ऐसे ही दोस्तों एक बड़ा सा रेड कैंडल अगर क्लोज कर दिया ना 43,331 के नीचे, तो यार मजा आ जाएगा। उसके बाद तो पूरा मतलब तिथरा बिथरा हो जाएगा बैंक निफ्टी, अच्छा खासा उसको स्पेस है दोस्तों डाउन साइड के लिए। और पोजिशनली भी आप पुट बाय कर सकते हैं हीरो जीरो के लिए, कैसे, यहाँ पे ट्रेंड क्रेक हो चुका है, आप खुद देखिए 43,331 से 43,331 से 43,438 अगर आप देखेंगे, ये एक सपोर्ट है, देखिए ये एक सपोर्ट है, मार्केट एक बार उछला, यहाँ पे देखिए दो बार टच किया उछला, तीन बार टच किया उछला, चार बार टच किया उछला, पांच बार टच किया उछला, तो आप खुद देखिए कितनी टाइम तक मार्केट यही प्लेस पे सपोर्ट लिया एंड फाइनली दोस्तों एक अच्छा खासा अप मूव दिया मार्केट। तो ये जो लेवल है ना, ये आगे डिसाइड करेगा क्या होगा, ये लेवल अगर, इसीलिए तो मैं कहा, सुन रहे हैं दोस्तों, मतलब आप समझ पा रहे हैं, क्लियर कट देखेंगे 5 से 6 बार ऑलरेडी ये सपोर्ट मतलब डैमेज हो चुका है बार बार टच करके, और कितना स्ट्रेंथ देगा, तो ये सपोर्ट में अभी दम नहीं है, ये सपोर्ट के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दिया ना तो आप खुद देखिए खुला आसमान है, और कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तों, सीधे 42,600 तक टारगेट रख सकते हैं अगर 43,331 के नीचे क्लोज कर दिया तो। देखिए बेयरिश व्यू है, अगले हफ्ते सेल एंड राइज ही हमारा व्यू रहेगा, कोई बाय के लिए व्यू नहीं रहने वाला, लेकिन ये थोड़ा तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलिंग होते हुए दिख सकता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों बाइंग की तरफ, तो बाइंग के लिए सिंपल लेवल है, पिछले हफ्ते भी यही बोला था, आज भी वही बोलूंगा, कुछ लेवल चेंज नहीं हुआ है, पिछले हफ्ते का जो लेवल उसको ही मैंने ड्रॉ किया है, 44,772 के ऊपर जब तक नहीं जाता तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे 44,604 से 772 यहां पे देखिए एक वन डे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन, देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं लेवल से, रिजेक्शन दो बार नहीं तीन बार, चार पांच छः सात आठ, तो ये कितना बड़ा दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और आखिर में ट्रेंड लाइन भी तोड़ के गिर गया, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो मैं बाय के लिए दोस्तों सियोर नहीं हूं। अगर यहां से ऊपर जाता है तो इतना बड़ा ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना आएगा, फिर से मार्केट नीचे आएगा, तो भाई फुल ऑन सेल एंड राइज है मार्केट, ठीक है, क्योंकि सिंपल हम चीजों को रखते हैं दोस्तों, कि यार हम सिंपल रखते हैं कि जब तक यार ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता ना, इसके ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देता, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। अब सेलिंग के लिए कि भाई इतना बड़ा तगड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट है, तो जो ये सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो सेलिंग आएगा, बीच में भी अगर ऊपर उठेगा तो सेलिंग के लिए मार्केट आएगा, सेल एंड राइज है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड टूट चुका है। क्लियर हो गया दोस्तों, अब चले जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी दोस्तों अलग ही लेवल पे, इसका थोड़ा मतलब थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्लियर रखते हैं, अगर अगले हफ्ते 19,449 के नीचे अगर एक बियरिश एंगलफिंग कैंडल वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोज दिया तो सेल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए 19,449 से 19,506 का जो लेवल है 19,506, अगर आप देखेंगे दोस्तों ये बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है। यहां पे देखिए रेजिस्टेंस था, गैप अप खुल के सपोर्ट लेके कितना अप मूव दिया है, ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल है। यहां पे देखिए कितनी बार, एक बार सपोर्ट लिया, देखिए दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चार बार सपोर्ट लिया, ये देखिए बीच नीचे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस खड़ा है, तो ये सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलके एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं दोस्तों डिमांड जोन कहीं ना कहीं क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर अगले हफ्ते इसके नीचे क्लोज देने लग गया ना तो दोस्तों अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस है मूवमेंट करने के लिए नीचे की तरफ। और आखिरी डे पे भी अगर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन इतना खराब मार्केट था, इनसाइड कैंडल बना के रखा, ये गुरुवार का कैंडल है, इसका हाई मार्क कीजिए, इसका लो मार्क कीजिए, इसके नीचे इसके अंदर देखिए फ्राइडे का कैंडल रह गया, ना लो तोड़ पाया ना हाई तोड़ पाया,
कोई मोमेंटम नहीं है, तो मोमेंटम पेंडिंग है दोस्तों। अगले हफ्ते के लिए मार्केट आपको सरप्राइज करेगा, नीचे की तरफ कर सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी हाई बढ़ जाता है, बट लेवल को फोकस कीजिए। बाइंग की बात करूं, कोई दोस्तों इधर उधर की बात नहीं, सिंपल बात है, 19,890 के ऊपर जब तक नहीं जाता मैं तो भाई नहीं करने वाला, क्योंकि आप खुद देखिए 19,844 से 19,890 एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है, और एक कड़क वाला रेजिस्टेंस जोन है, मतलब तोड़ना बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा निफ्टी को। यहाँ पे देखिए एक बार टच किया, यहाँ पे देखिए जोन, जैसे यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है ना सब मिलके, ठीक है से भी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये देखिए नीचे, चार पांच बार मार्केट इसी जोन से नीचे गिर चुका है। तो जब तक ये जोन के ऊपर एक अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज नहीं देता, तो मेरे भाई बाय मत कीजिए, नीचे ब्रेकडाउन दिया सेल कीजिए, बीच में रहा तो क्या करेंगे, सेल एंड राइज मेरे भाई। आपको लगता है मैं बाइंग के लिए बोलूंगा, नहीं, ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन साइड है, प्राइस ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इस हफ्ते हमें देखने को मिला। अगर आपको प्रूफ चाहिए दोस्तों, तो चार्ट आपको खुद बोल रहा है कहां पे सस्टेन किया, आप मुझे बोलिए। प्राइस जब जब ऊपर गया, देखिए इस पूरे हफ्ते ऊपर गया, आखिर में नीचे, ठीक है। शुक्रवार के भी दिन भी देखिए दोस्तों, लोअर लो, उसके पिछले दिन देखिए मार्केट ऊपर खुला, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे। उसके पिछले दिन देखिए ऊपर गया, आखिर में नीचे। उसके पिछले दिन देखिए ऊपर गया रिजेक्ट। खुद देखिए कहां मोमेंटम है, जब मोमेंटम आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे भी। पिछले हफ्ते एक दिन ऐसे ताकत नहीं दिखा, ये निफ्टी पूरा ऊपर जाएगा और यहाँ पे खड़ा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे होगा नहीं, जब जब ऊपर जा रहा है नीचे गिर गया है लास्ट में। तो दोस्तों जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड है, तो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं अगले हफ्ते हम डाउन साइड की तरफ देंगे। फिर निफ्टी की बात करते हैं, अभी फिर निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम लगा लेता हूं दोस्तों। फिर निफ्टी सिंपल रखते हैं, और फिर निफ्टी अगर अच्छा सेटअप पे भी है दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी में ना ट्रेंड लाइन टूट गया है ऑलरेडी, बट क्यों मैं वहां पे श्योर नहीं हूं कि और भी नीचे जाएगा, और मैं आपको बोल रहा हूं सपोर्ट टूटा तो नीचे जाएगा, क्योंकि फिर निफ्टी में वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटा है। आपको दिखाता हूं मैं वन डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन में क्या हूं, आप जरा देखिए। यहां पे देखिए दोस्तों ग्रीन कलर का जो लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन, सेम देखिए बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों भाई भाई हैं, दोनों का चार्ट लाइक 99% सेम बनता है, यहां पे ही बना है। वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार टच करके इतना बड़ा आप मूव दिया फिर निफ्टी, दूसरी बार टच किया इतना बड़ा आप मूव दिया, आप समझ पा रहे हैं। तो ऊपर लाइक दूसरी बार टच किया, अगर आप देखेंगे इतना बड़ा आप मूव दिया, ये ट्रेंड लाइन दोस्तों आके लाइक रुक गया है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा है अभी तक, लेकिन बैंक निफ्टी का आपने नोटिस किया होगा ट्रेंड लाइन टूट चुका है। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन अगर क्रेक होगा ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाइंग का, सेलिंग ही करेंगे। और दूसरी बात क्या है, 19,426 के नीचे फिर निफ्टी को आप एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, और सेल एंड राइज ही होगा। क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि आप देखिए यहां से कंटिन्यूसली फिर निफ्टी फॉल आया, बॉटम बनाया, भी से रिकवरी, देखिए फॉल आया, जितने तेजी से फॉल आया उतने तेजी से भी से रिकवरी। तो ये पॉइंट जो है ना दोस्तों, जो ग्रीन कलर एरो मार करके रखा हूं, ये एक कहीं ना कहीं स्ट्रांग बायर का पोटेंशियल दिखाता है कि यार जितने तेजी से नीचे आया ना उतने तेजी से ऊपर फेंक दिया। तो अगर अगले हफ्ते ये ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, देखो लक भी देखो यार, बहुत सही स्ट्रक्चर बनाए कि ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, ऊपर से ये जो दोस्तों भी से रिकवरी आया, जो सपोर्ट लाइक लाइन में कहना चाहूंगा सपोर्ट लेवल 19,426, तो ये भी टूट जाएगा, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं सेल करेंगे। बाइंग का मेरा कोई प्लानिंग नहीं, अगले हफ्ते बता के भी कोई फायदा नहीं कि 20,000 के ऊपर जाएगा, 400 पॉइंट बहुत दूर है फिर निफ्टी, तो 20,000 के ऊपर ही बाइंग का मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ग्रो होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उससे पहले मैं बाइंग नहीं करूंगा। होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, एंड अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, एक स्पेशल वीडियो आ रहा है मेरे भाई, पिछले हफ्ते जो इंडिकेटर का अपडेट किया था आई थिंक उसका सेकंड पार्ट में कल के दिन ला दूंगा, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।